नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। साल 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, जिसमें गीतकार हसरत जयपुरी द्वारा रचित एक गीत है जिसके बोल थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन 57 साल बाद आज फूल नहीं जहरीली हवा बरस रही है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली NCR में इस वक्त गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। किसी भी देश के लिए उसकी राजधानी गर्व की बात होती है, जहां से पूरे देश का प्रशासन चलता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां संसद है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति कार्यालय है, विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण है, देश के सबसे बड़े नौकरशाह यहां बैठते हैं, सभी नामी मीडिया कंपनी यहीं NCR में है। लेकिन दिल्ली वासियों को हर साल इस दम घोटू हवा से हर दिन दो चार होना पड़ रहा है। आज राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 रहा। हर साल सर्दी आते ही राजधानी दिल्ली की यही स्थिति बन जाती है। दिल्ली के इस हालत के लिए पड़ोसी राज्य में जल रही पराली की घटना को जिम्मेदार बताया जाता है, और ये आज की कोई नई स्थिति नहीं है। आप पिछले 10 सालों से यही सुनते आ रहे होंगे। तो सवाल ये है कि इन 10 सालों में सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि इस पर राजनीति में कोई कमी नहीं रही है। दिल्ली सरकार कभी पराली जलाने की घटना को लेकर पंजाब तो कभी हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है, तो कभी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेलने का आरोप लगाती रही है। समय समय पर हर सरकार ने अगर की है तो सिर्फ राजनीति, और नहीं किया है तो प्रदूषण से निपटने का स्थायी उपाय। राजधानी में सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू कर चुकी है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन जैसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो वहीं दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। साथ ही बच्चों की सेहत को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली की यह स्थिति सांस की बीमारी, डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। सवाल ये है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार टोपी ट्रांसफर करने के बजाय सामूहिक जिम्मेवारी क्यों नहीं उठा रही। हमें लगता है कि इस पर सभी सरकार राजनीति करने के बजाय सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और यूपी सरकार को मिलकर के एक बॉडी बनानी चाहिए, जो कि प्रदूषण से लड़ने के लिए जरूरी रणनीति बनाए और उसे लागू करेगी। वरना हर साल की तरह राजनीति होती रहेगी और लोग जूझते रहेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36-51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें कहा गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि लोगों को प्रदूषण रहित पर्यावरण मिले। यानी सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण मिले। सरकार जब अपने अधिकार के बारे में जागरूक है और उसका इस्तेमाल करती है, चाहे उनके पास कानून बनाने का अधिकार हो, सारी सुविधाएं लेने का अधिकार हो, तो फिर लोगों के प्रति सरकार अपने कर्तव्य को क्यों भूल जाती है। सरकार को इस पर संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए।